देखिए दिनांक 12 तारीख की देर रात्रि में एक थाना औद्योगिक क्षेत्र में पड़ने वाले गांव मियां चक्कापुरा वहां पर एक वारदात हो गई थी, जिसकी सूचना 13 अक्टूबर की सुबह पुलिस को प्राप्त हुई थी कि एक ही घर के दो महिलाओं की गला काट करके और सर पे वार करके हत्या कर दी गई है और एक दो उस घर में पुरुष थे उनको मारपीट के और मरी स्थिति में उनको अस्पताल ले जाया गया। तत्काल इस गंभीर वारदात की सूचना मिलते ही वहां पर थाना औद्योगिक क्षेत्र और क्राइम ब्रांच की सभी टीमें और हमारी जो फील्ड यूनिट है फॉरेंसिक यूनिट है उन सभी लोगों को लगाया गया इसके अनावरण के लिए और जो मजरूम हैं उनके ही चचेरे भाई के द्वारा चार नामजद लोगों के विरुद्ध एक FIR कराई गई थी जो उसी गाँव के रहने वाले हैं, किंतु पिछले दो दिनों की तफ्तीश में पूछताछ में और साक्ष्य संकलन के क्रम में ये बात निकल के आई है कि जो मंडूब हैं उनकी पूर्व पुत्रवधू और उनके ही एक गांव के इनके पुत्रवधू के साथ ही इन दोनों लोगों द्वारा मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। और जो मोटिव रहा इस घटना का वो ये है कि जो जो कातिल हैं दोनों उनमें से एक महिला की बच्ची अभी भी मजरूह के घर पर ही रह रही थी, उसकी बेटी अपने उसको लेने की उसकी कस्टडी को लेकर के बातचीत चल रही थी और उसकी अच्छी परवरिश हो अच्छी पढ़ाई लिखाई हो इस बात पे इन लोगों के बीच में अक्सर झगड़ा वगैरह होते रहता था और इसी बात से कुपित होकर के जो महिला है उससे उसने अपने एक साथी के द्वारा मिल करके इस जघन्य घटना को कारित किया और घटना को कारित करने के बाद से इनके घर से जो आभूषण वगैरह ये लोग निकाल करके बक्से में से ले गए थे उसे अपने बहनोई के यहाँ पे जो थाना गोरखपुर का रहने वाला है वहाँ पे रखा था। आज इन सभी तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड में भेजा जा रहा है। घटना में प्रयुक्त सभी आला कतल और घटना के समय पे पहने गए जो भी इनके द्वारा वस्त्र थे वो सभी रिकवर करके और जो घटना स्थल पे बक्से को तोड़ करके जो इनके द्वारा आभूषण वगैरह निकाल लिए गए थे वो सभी इनके पास से रिकवर कर लिया गया है। इसमें जो लूट का कोशिश की गई थी दिखाया गया वो दिखाने के लिए था, भ्रम फैलाने के लिए जी। आप पंचायतनामा में गौर करेंगे तो वहाँ पे जो भी मृतका थी दोनों उनके जो पर्सनल जो आभूषण होते हैं कान में और गले में ये सब पहनने वाले और पैरों में वो सब इंटैक्ट थे और इससे बात से लग रहा था कि ये चोरी या लूट या डकैती जैसी कोई वारदात नहीं है और जो घर का जो बक्सा तोड़ा गया है वो ज़रूर कुछ न कुछ सीन ऑफ क्राइम नया मैन्युफैक्चर करने के लिए या पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया है। तो इन्हीं सब बातों से क्लू लेते हुए पुलिस द्वारा अथक प्रयास करते हुए बहुत ही कम समय में इस डबल मर्डर का अनावरण आज किया गया है और इसके लिए सभी जो इसमें SOG प्रभारी और थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र ये लोग प्रशंसा के पात्र हैं। अच्छा, आप लोगों को क्लू कैसे मिला, बहुत सब कैसे हुआ? जो बच्ची थी जो जो कातिल है सलोनी उनकी जो बच्ची थी अंशिका ये अपने दादा के साथ ही रहती थी। जिस रात वारदात हुई थी ये अपने घर में ही थी, अपने दादी बाबा के साथ ही सो रही थी, उनको कोई चोट नहीं लगना और वहाँ पर जो हमने सर्विलांस के मदद ली थी घटनास्थल पे घटना की रात घटना के करीब करीब समय पर इन लोगों की वहाँ पर मौजूदगी होना और ये सभी इंगित कर रहे थे कि हो ना हो ये घर के ही किसी व्यक्ति का एक काम है और इसमें जो एंट्री हुई थी वो छक्के रास्ते हुई थी क्योंकि कोई भी दरवाज़ा बाहर से नहीं खुला था। ये सब बताता था कि जो कोई ऐसा है जो घर के सभी रास्तों को और सभी कमरों को जानने वाला है कौन कहाँ रहता है और इसी क्रम में इन सभी क्लूज को एक साथ जब जोड़ करके देखा गया तो इस घटना का अनावरण किया जा सका है।